हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाऊंगी उड़द दाल की कचौरी। तो मैंने दाल को भिगो दिया है, इसे भिगोए हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसे धोएंगे। एक बड़ी सी थाली लेंगे, हम इसे ऐसे रगड़ रगड़ के धोएंगे। ऐसे हम धो लेंगे। फिर हम इसमें साफ पानी डालेंगे। ऐसे ऐसे इसमें की सारी कढ़ाई निकाल लेंगे। हम लोग इसे करीब करीब धो चुके हैं। हम इसे सूखे टाइप में निकालेंगे। उसके बाद इसे मिक्सर में पीसेंगे। अब हम इसे धो लिए हैं। मैंने इसे धो लिया। अब हम इसे ऐसे टेढ़ा करके रखेंगे, जो पानी इसमें का है सब बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम इसे पीसेंगे। अब हम इसे पीसेंगे। तो हम डालेंगे इसमें, इसे हमें बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा। तो हमने इसे बहुत बारीक नहीं पीसा, दरदरा टाइप का पीसा है। इसे मैंने देखिए बहुत बारीक नहीं पीसा है, एक एक तार है। तो हम ऐसे अब सारे पीस लेंगे। मैंने पीस लिया थोड़ा सा है। अब हम इसे पीसने के बाद मसाला पीसेंगे। ना इसे मैंने बहुत बारीक पीसा है, ना दरदरा, बीच वाला है। तो हम इसमें पीसेंगे मसाले। ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चुटकी गरम मसाला, 2 चुटकी हल्दी, 5 मिर्चा, 1 अदरक का टुकड़ा 1 इंच का, 1 लहसुन और 2 कड़ी पत्ता। अब हम इसे पीसेंगे। मैंने इसे बहुत बारीक नहीं पीसा, दरदरा पीसा है। अब हम इसे निकालेंगे। इसे पीस लिया। अब हम चलेंगे गैस की ओर। मैंने कढ़ाई में तेल गरम रखा है, सरसों का तेल है। तेल हमारा गरम हो गया। हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और उससे थोड़ी कम हींग। इसके बाद हम डालेंगे यही जो पीसा है मसाला। डालेंगे मसाले। अब हम इसमें डालेंगे मसाले हमारे हो गए थोड़ा लाल, गोल्डन दिख रहा है। अब हम डालेंगे उड़द दाल की पीस। इसे बराबर धीमी आंच में भूनेंगे।
भूनेंगे जब तक ये बराबर भुना नहीं जाएगा। अब हम इसे ढाक देंगे 15 मिनट के लिए, फिर देखेंगे। अब हम इसमें ढक्कन लगाएंगे। स्वाद अनुसार नमक इसे बराबर चला के मिलाएंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, उसके बाद उतारेंगे। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, तब तक सानेंगे हम आटा, तो हम तब तक ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो गया, हम ये आटा सान लिया है, तो हम इसे काटेंगे और बनाएंगे कचौरी। मैंने काट लिया है, हम इसे इसी तरह ऐसे बनाए, ऐसे मैंने इतना बना दिया है। बना लीजिए। अब हम चलते हैं गैस की ओर। मैंने गैस कढ़ाई पे रखा है, तेल गरम है। अब हम डालेंगे इसमें अब हम इसे कूटेंगे बड़ी आसानी से। हमारी कचौरी जो है बनके तैयार है, हम इसे निकालेंगे। मैंने निकाला, अब हम फिर से निकालेंगे। ये भी हो गया है, हम ऐसे निकालेंगे। इस तरह बनाए उड़द दाल की कचौरी, और देखो ना फूली फूली, खाने में इतनी टेस्टी। तो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।